हेलो गाइस, वेलकम टू नुमान मेडिसिन। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूडिलिप टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट की पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, जैसे कि इसको किस यूज में लिया जाता है और इसके ब्रांड नेम क्या है, ये किन किन स्ट्रेंथ से आती है, इसके साइड इफेक्ट और इसकी डोज, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको यूडिलिप टैबलेट से रिलेटेड देने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें और बने रहें लास्ट तक। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो यूडिलिप क्या है? यूडिलिप एक टैबलेट है जो जिसमें होता है यूसरोडियोक्सीकोलिक एसिड, और ये यूसरोडियोक्सीकोलिक एसिड को यूसरोडियोल नाम से भी जाना जाता है। ये एक सेकेंडरी बाइल एसिड होता है गाइस, जो कि बाहर से दिया जाता है यूसरोडियोक्सीकोलिक एसिड की फॉर्म में, ताकि कोलेस्ट्रॉल और फैट का डाइजेशन अच्छे से हो सके आपकी बॉडी में। तो इसको जो लिया जाता है वो जानवरों से लिया जाता है, और उससे लेने के बाद उस पर कोटिंग कर दी जाती है, उसको टैबलेट फॉर्म में बना लिया जाता है। तो ये तो थी यूडिलिप। अब बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की, या कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिलेगी। तो इसके फेमस जो ब्रांड नेम है, यूडिलिप टैबलेट और हेपाकाइन टैबलेट और अर्सोकैम टैबलेट और वाइल्ड फिक्स टैबलेट, यूडी हैप फोर टैबलेट, ये इसके ब्रांड नेम थे। बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की, किन किन स्ट्रेंथ से आपको मिलती है इसकी। जो दो तरीके की इसमें स्ट्रेंथ आती है, इसमें फर्स्ट स्ट्रेंथ आती है 150 mg में, और 300 mg जिसके अंदर होता है 150 mg यूसरोडियोक्सीकोलिक एसिड और 300 mg यूसरोडियोक्सीकोलिक एसिड, फर्स्ट स्ट्रेंथ ये हो गई इसकी। और सेकंड स्ट्रेंथ में जो आती है 250 mg यूसरोडियोक्सीकोलिक एसिड होता है और 500 mg यूसरोडियोक्सीकोलिक एसिड होता है। तो ये तो थी इसकी स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, किस किस यूज में इसको लिया जाता है। तो इसमें किसी भी तरह से लीवर डैमेज हुआ है, या तो वो शराब ज्यादा पीने की वजह से हुआ हो, या फिर पीलिया की वजह से हुआ हो हेपेटाइटिस की, या फिर लॉन्ग टाइम एंटीबायोटिक खाने की वजह से हुआ हो, या फिर इसको सर्जरी, पोस्ट सर्जरी या बिफोर सर्जरी में भी इसको दिया जाता है। तो लीवर में कोई भी डिसीज है तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है, ताकि स्वेलिंग वगैरह है लीवर पे उस किसी डिसीज की वजह से, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। तो ये काफी हद तक अच्छा आराम करती है लीवर के लिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो नॉर्मल से इसके कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं, डायरिया हो सकता है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये तो थे इसके साइड इफेक्ट। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कि कौन कौन इसको ले सकता है, कौन कौन इसको नहीं ले सकता है। तो इसको देने के टाइम पे गाइस कोई भी एंटासिड दवाई नहीं ली जाती, उससे दिक्कत हो सकती है। कोई भी एंटासिड दवाई इसको लेने के बाद या इससे लेने से पहले नहीं दी जाती, और इसको प्रेगनेंसी में भी नहीं दिया जाता, यदि ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसको नहीं दिया जाता, यदि कोई मदर बच्चे को दूध पिला रही है तो उस कंडीशन में भी इसको नहीं दिया जाता, हाथों में अगर सूजन है किसी के तो उस कंडीशन में भी इसको नहीं दिया जाता, या फिर अल्सर है किसी के स्टमक में तो भी नहीं दी जाती ये टेबलेट। और हाँ, याद रखें इसको तोड़कर नहीं खाया जाता, क्योंकि इस पर विशेष प्रकार की कोटिंग चढ़ी हुई होती है, जो कि वो अगर आप उसको तोड़कर खाएंगे तो वो स्टमक में रिलीज हो जाएगी और उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला फिर, और आपको हार्म पहुंचा सकती है, इसलिए इसको तोड़कर ना खाएं। तो इसके डोज की बात करते हैं गाइस, इसकी क्या डोज रहती है। तो याद रखें, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, और अपने डॉक्टर के कहने पर ही उस दवा को या फिर उसकी डोज अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग लें, क्योंकि डोज पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, चेंज भी हो सकती है। इसकी जो कॉमन डोज होती है वो 15 mg पर kg होती है। तो आप याद रखें, कोई भी मेडिसिन खुद से ना लें, उससे आपको हार्म पहुंच सकता है या फिर परेशानी हो सकती है, इसलिए कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे पूछें। तो आई होप हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी यूडिलिप के बारे में आपको बेहद ही पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।